अल्लाह की
मानकर और नबी को मानकर और नबी अलैहिस्सलाम की बातों को मानकर उनके तरीके पर चलकर दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अभी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर इंसानों को मरने के बाद की जिंदगी के अहवाल बताए। दुनिया की जिंदगी में बहुत मुख्तसर है, छोटी सी जिंदगी है। आज है कल कोई हो जाएगी, चंद सालों की जिंदगी है, हमेशा हमेशा आने वाली जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी। जो मरने के बाद की जिंदगी में कामयाब हो गया वो हकीकत में कामयाब है, और जो मरने के बाद की जिंदगी में नाकाम हो गया वो हकीकत में नाकाम है। मरने के बाद की जिंदगी की कामयाबी क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से हटा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर लिया जाए वो कामयाब है। और अगर उसको जन्नत से हटा लिया गया, जन्नत से महरूम कर दिया गया और जहन्नम में दाखिल कर दिया गया तो वो हकीकत में नाकाम। कामयाबी और नाकामी की बुनियादें दुनिया की जमीन, जागीर, प्रॉपर्टी, दुनिया के ओहदे, इन्फ्लुएंस, रुपया पैसा, सोना चांदी नहीं है। अगर दुनिया का रुपया पैसा, सोना चांदी और मुल्क मौत, मुल्क माल और जमीन और जागीर कामयाबी की बुनियादें होती और इसको हासिल करने से दुनिया में कोई इंसान कोई कामयाब हो जाता तो फिरौन कामयाब हो जाता, कारून कामयाब हो जाता और इस तरीके से शैतान कामयाब हो जाता, अबू जहल कामयाब हो जाता, नमरूद कामयाब हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके किस्से कुरान पाक में बयान फरमाकर कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए वाज़ह कर दिया कि जमीन और जागीर, सोना और चांदी, माल और जायदाद ये कामयाबी की बुनियादें नहीं है। कामयाबी की बुनियादें अल्लाह का दीन। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पिछले जमानों में जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए इन नबियों की मौतों के वाकयात को बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने इन नबियों की मौतों को तरह तरह की दुनिया की मुसीबतें दी थी। किसी को जमीन और खेती की लाइन का मालिक बनाया था, किसी को तिजारत की शॉपिंग सेंटरें दी थी और कोई सरहद और हिफत का मालिक था। लेकिन इन्होंने दुनिया में आकर दुनिया के इन शहरों में रहकर इन शहरों में तरक्की की, सरहद और हिफत में काम करते करते इतने आगे बढ़ गए कि लाखों से पत्थर तराश तराश कर पहाड़ों में बड़े बड़े महल तामीर कर लिए, जमीनों पर मेहनत करके जमीनों को आबाद करके बड़ी बड़ी खेतियां आबाद कर दी। लेकिन इन्होंने अल्लाह का दीन न अपनाया और अपने समाजे के नबी के तरीके को न माना तो अल्लाह ताला ने इन सब को नाकाम कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा फमिनहुम मन अखज़तहु सैहा फमिनहुम मन खसफना बिहि अल-अर्ज़ फमिनहुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। हर एक को अल्लाह ताला ने उनकी बेदीनी की बुनियाद पर हलाक किया, इसलिए हलाक नहीं किया कि उनके पास जमीनें नहीं थी, इसलिए हलाक नहीं किया कि उनके पास तिजारतें नहीं थी, इसलिए हलाक नहीं हुए कि उनके पास माल रुपया पैसा नहीं था। फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं, मिम्मा खतीआतिहिम उद्रिकू फ़उद्रिकू नारा। अल्लाह ने इनकी बेदीनी और गुनाहों की वजह से जमीनों और पानी के अंदर में मर्द कर दिया और जमीनों में डुबा कर अल्लाह ने जहन्नम में दाखिल कर दिया। कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पिछली कौमों के वादियात बयान फरमाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुरान साहब के अल्लाह ताला ने इबरत के वादियात बयान फरमाकर इस उम्मत के लिए एक फर्द को यह पैगाम पहुंचाया गया है, दुनिया के बसने वाले इंसानों तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ पर चलने में रखी है। तुम्हारी कामयाबी इंसान होने में तुम्हारी कामयाबी नहीं है। अगर तुमने अपनी कामयाबी को हासिल करना चाहते हो अपनी जिंदगी में ईमान और आमाल और आखिरत वाली लाइन को अपना लो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजारने का जो पाकीज़ा तरीका लेकर आए हैं इस पाकीज़ा तरीके को अपनाओगे तो अल्लाह ताला दुनिया में मगर माल और असबाब में भी तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को शानदार बनाएगा। ये अल्लाह का वादा ईमान और आमाल पर देने का है। من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی
पाकीज़ा ज़िंदगी बना देंगे, जन्नत का नमूना बना देंगे, नफरतों अदावतों को अल्लाह ताला खत्म फरमाएंगे और मोहब्बत और भाईचारा अल्लाह ताला कायम फरमाएंगे और दुनिया में लड़ाई झगड़ा और दंगा और फसाद को खत्म फरमा कर अल्लाह ताला आपस में प्रेम और मोहब्बत पैदा करेंगे। ईमान और अमान वाली जिंदगी पर अल्लाह ताला ने इन चीजों के लेने के वादे फरमाए। दुनिया में अल्लाह ताला ये चीजें देंगे, हयात तैयबा अता फरमाएंगे और मरने के बाद सकरात अल मौत से ही अल्लाह ताला हमेशा हमेशा की जन्नत से हमारा ताल्लुक कायम फरमाकर मरने के बाद कब्र को अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का बाग बना देंगे और हशर के मैदान में अल्लाह ताला मिंबर पर अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे और मृत्यु के मिंबर पर अल्लाह ताला सैर तफरी का मौका अता फरमाएंगे और नामा अमल की तुलने के मौके पर अल्लाह ताला नेकियों के बदले को भारी फरमाकर नामा अमल दाहिने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचाकर हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ईमान और अमल वाली जिंदगी पर अल्लाह ने इसका वादा फरमाया। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती नेमत अल्लाह का दीन है। दुनिया में सबसे कीमती नेमत अल्लाह का दीन है और दुनिया में हमारी सबसे बड़ी हाजत और सबसे बड़ी जरूरत अल्लाह का दीन। मकान के बगैर गुजारा हो सकता है और सैकड़ों लोग मकानों के बगैर गुजारा कर लेते हैं। मुंबई जैसे शहरों में जाकर के देखें कि बड़े बड़े नालों के अंदर के लोग अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजार लेते हैं, जिंदगी गुजर जाती है। क्यों? दुनिया के इंसानों को बताया जाता है बगैर मकान की दुनिया में इंसान जिंदगी गुजार सकता है, बगैर खाने की दुनिया में इंसान जिंदगी बसर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, भूख पर मौत आ जाएगी। लेकिन बगैर दीन से जिंदगी गुजारने वाला इंसान अगर बगैर की बगैर दीन के दीन के बगैर बेदीनी के साथ मौत की बॉर्डर को क्रॉस करके चला गया और बेदीनी के साथ बगैर ईमान के चला गया, हमेशा हमेशा की जहन्नम में जाकर गिरेगा और उसके लिए कोई भुगतने का और उसके लिए कोई दूसरा कामान का कोई दूसरा बदला देने का कोई दूसरी शक्ल नहीं होगी। वो भी ईमान मरने के बाद अल्लाह ताला से कहेगा, ए अल्लाह मैं जमीन के बराबर जमीन भरकर सोना फिरिए ले लूं, मुझे जहन्नम की आज़ाद से बचा दिया जाए, लेकिन उसका ये फिरिया कबूल नहीं किया जाए। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत, दुनिया में सबसे बड़ी हमारी जरूरत अल्लाह का दीन है। जिसे दीन मिल गया, ईमान मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, और जिसे दीन और ईमान नहीं मिला, जिसकी जिंदगी में दीन और दीन और ईमान नहीं है, सोने चांदी के ढेर उसके पास है, मुल्क और माल उसके पास है, प्रॉपर्टी और जमीन और जागीर है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में दीन नहीं है और बगैर दीन के दुनिया से चला गया, मरने के बाद वो इंसान सबसे बड़ा भिखारी होगा, उसके हाथ में कुछ ना होगा। इसलिए अल्लाह का दीन सबसे ज्यादा कीमती है। जिसको अल्लाह का दीन मिल गया, अल्लाह के दीन पर चलने का मौका मिल गया, अल्लाह के दीन के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिल गया, चाहे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी कदरेंगे के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला इंसान बन गया, वो इंसान दुनिया में कामयाब है, आखिरत में कामयाब है, आसमान वाले की नजर में अल्लाह का बंदा महबूब है, उसके अमल पर अल्लाह ताला आसमानों से उसकी तबीयत के मुताबिक फैसले फरमाते हैं। ऐसे ही ईमान वाले बंदे अगर दुनिया में आ जाए तो अल्लाह ताला आसमानों से उनके हक में फैसले फैसले फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला इन्हीं ईमान वालों की बरकत से दुनिया में अल्लाह ताला अमन पैदा फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीन आमनू व लम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो ईमान वाले जिन ईमान वालों ने ईमान और अमल वाली जिंदगी गुजारकर अपने आप को जुल्म से, गुनाहों से, कुफर से बचाया होगा, अल्लाह तबारक व तआला का उनके लिए दुनिया में अमन और शांति का फैसला है। ईमान जिंदगी में हो और अमन न मिले, इस्लाम जिंदगी में हो और सलामती न मिले, ये नहीं हो सकता। इस्लाम में अल्लाह ने सलामती रखी है और ईमान में अल्लाह ने अमन रखा है। हकीकी ईमान जिंदगियों में आ गया और हकीकी इस्लाम जिंदगियों में आ गया, अल्लाह ताला दुनिया को सलामती से भरेंगे और अल्लाह ताला अमन और शांति का फैसला दुनिया वालों के लिए फरमाएंगे। ये सिर्फ कही आने वाली बात नहीं है, हमारे आका काशकाले मदीना फजल आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जिंदगी के अंदर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन को मेहनत फरमाकर सहाबा का एक ऐसा मजमा तैयार किया था कि सहाबा इकराम की जिंदगियों में से हर हर सहाबी मर्द औरत बच्चे बूढ़े की जिंदगी में पूरा पूरा दीन मौजूद था और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे
पूरे दिन तक कामयाब ही कवाला फरमाया, इज्जत का, शान शौकत का, मदद का और अल्लाह ताला ने दुनिया की फरावानी का और बरकतों का वादा फरमाया और अल्लाह ताला ने बरकतों के वादे को पूरा फरमाया। आज भी मेरे दोस्तों, अगर सहाबा वाली जिंदगी में अपनाने वाले बन जाए, अपने अंदर में अल्लाह ताला के अहकामात को दाखिल करने वाले बन जाए, सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाए, पूरा दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाए, अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसे जिंदगी गुजारने वाले बन जाए, अल्लाह का वादा आज भी है, अल्लाह ताला का इरशाद कुरान करीम में है और अल्लाह का वादा सच्चा है, इन्ना लनसुर रुसुलना वल्लजीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। हम अल्लाह का जरूर मदद करते हैं ईमान वालों की और मदद करते रहेंगे ईमान वालों की भी और नबियों की भी दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हम अपने ईमान को बनाने की फिक्र करने वाले बने। आज हमारी जिंदगी में ईमान का कलमा है, लेकिन वो ईमान जो अल्लाह को मतलूब है, वो इस्लाम जो अल्लाह को मतलूब है, वो पूरा पूरा इस्लाम हमारी जिंदगी में नहीं है। तीन पांच लाइनों का नाम है, इन पांचों लाइनों का दिन हमारी जिंदगी में आ जाए, इसीलिए फरमाते हैं कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिर्मि काफ्फा वला तत्तबिउ शैतान के पीछे मत चलो, शैतान का फॉलो मत करो, ऐसा ना हो जाओ कि मस्जिद में आए तो मुसलमान बन गए और बाजार में गए तो कुछ और बन गए, ईमान की बात आई तो मुसलमान बन गए, माशरत और मामलात की बात आई तो कुछ और बन गए। नहीं, हम ईमान और इबादत की लाइन में भी सच्चे के मुसलमान बन जाए और इबादत की लाइन में भी हमारी ठीक बन जाए और हमारे अखलाक की लाइन बलक से बलक हो जाए, हमारे मामलात और लेन देन की लाइन इस्लामी लाइन बन जाए और हमारी माशरत पाकीज़ा बन जाए। अगर ये पांचों लाइनों का दिन ठीक हो जाएगा, पूरा दिन हमारी जिंदगी में जिंदा होगा और पूरे दिन पर अल्लाह की तरफ से पूरी पूरी कामयाबी के देने का वादा है। आज आधा फिक्र आधा बटेर है, मस्जिद आए तो कुछ और हो गए, शादी ब्याह आई तो कुछ और बन गए, मौत मैयत आई तो कुछ और बन गए। नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जीने का तरीका बताया है। अगर मुसलमान सही तरीके से जीने वाला बन गया तो मुसलमान सही तरीके से मरने वाला बनेगा। अगर उसकी जिंदगी सही बन गई तो उसकी मौत सही बनेगी, जिंदगी और मौत सही बनेगी, उसकी आखिरत की जिंदगी सही बनेगी और हमेशा हमेशा की अल्लाह की नाराजगी से बचकर ऐसा मुसलमान हमेशा हमेशा की अल्लाह की रजामंदी में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें से हर एक को दीनदार बनना जरूरी है। मालदार बनना जरूरी नहीं है, मालदार तो आदमी मुकद्दर से बन जाता है। एक घर में बच्चा पैदा होता है, उसका बाप मर चुका और घर में बच्चा पैदा हो रहा है, बाप की विरासत का हिस्सा उस आने वाले जिंदा होने वाले उस पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला देंगे, उसमें शरीयत ने उसका हिस्सा बनाया है। पैदा होते ही ये बच्चा मालदार बन गया। मालदार बनने के लिए मालदार मुकद्दर से अल्लाह ताला बना देते हैं, लेकिन दीनदार बनने के लिए मेहनत की जरूरत है। हर एक को दीनदार बनना, अपने आप को दीनदार बनाना फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे पहले हमें हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तू अनफुसकुम, ए ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचेगी? दुकान पर दुकान जमाने से, पैसे पर पैसे जमा करने से, माल की गड्डियां जमा करने से, प्रॉपर्टी और जमीन और जागीर के मालिक बनने से, जहन्नम की आग से बचने का तरीका क्या है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग से बचने का क्या तरीका बताया? हम पर अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तू अनफुसकुम, पहला हमें हुक्म दिया तू अनफुसकुम और दूसरे नंबर पर वाला अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन सी जहन्नम की आग? जिस जहन्नम की आग के दम इंसान और पत्थर होंगे। मरने के बाद के हालात बड़े भयानक आने वाले हैं। अगर दीन के साथ, दीनदारी के साथ दुनिया से चले गए तो अल्लाह तआला की तरफ से कामयाबी का वस्ता सुनाया जाएगा, नामे आमाल ताने हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह तआला ने कुरान पाक में इसका तज़किरा फरमाया, फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम उक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिन रादिया। कि जिसके लिए आमाल, नामे आमाल ताने हाथ में दिए जाएंगे, ये दाहिने हाथ में नेकियों का सर्टिफिकेट भी
दुनिया में आज के दोस्तों मैं और आप इम्तिहान हॉल के अंदर में बैठे हुए हैं। ये दुनिया इम्तिहान हॉल है, इम्तिहान की जगह है। मरने के बाद इस इम्तिहान का रिजल्ट हम में से हर एक को सुनाया जाएगा, हम में से हर एक के नाम अमल लिखे जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, रात में या दिन में, जो बोल करते हैं, जो आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, ये सारा का सारा माया अपनी जिंदगी से टुकड़ा देता है, उसके कमाई कमाई में ऐसा लगा हुआ है।
अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं आता और ऐसा इंसान माल की जमा करने के चक्कर में माल 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 और माल ही के चक्कर में सुबह और शाम करता है, वो इंसान पछताएगा और ये कहेगा मालिया, अरे मेरे माल ने तो मुझे कोई फायदा नहीं दिया, हलक आनी सुल्तानिया, मेरी वजह ने मेरे ओहदे और डिग्री ने, मैं समझता था मैं फलाह होने वाला और फलाह होने वाला, मैं इस वक्त में ये अफसर करता हूँ और ये अफसर करने के चक्कर में उसने अल्लाह ताला के अहकाम और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़ दिया और आप अलैहिस्सलाम के तरीके को तरीकों से मुंह मोड़कर दुनिया में जिंदगी गुजारता रहा। ऐसा इंसान मरने के बाद पछताएगा कि मेरी वजह ने, मेरे दबदबे ने, मेरे ओहदे ने, मेरी कुर्सी ने मुझे हलाक और बर्बाद कर दिया। ये सोच रहा होगा इतने में अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को आवाज लगाई जाएगी, खुदूहू फकुलूहू थुम्मा अलजहीम सल्लू, अरे नाफरमान बदकार इंसान है, इस इंसान ने बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारी है, इसको पकड़ो और जंजीरों में बांधकर खींच कर उसको जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह ताला जहन्नम के आदाब से हमारी हिफाजत फरमाए। मरने के बाद की जिंदगी का आदाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, लौ तअलमूना मा अलम लबहितुम कलीला व लबहितुम कथीरा, आखिरत के जो हालात में जानता हूं अगर वो हालात तुम जानने लगो, आखिरत के जो हालात में जानता हूं अगर वो हालात तुम जानने लगो तो तुम दुनिया में हंसना कम कर दो और रोना ज्यादा करो। मेरे दोस्तों मरने के बाद के हालात बड़े भयानक है, इसीलिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम रात रात भर अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, दिन में कभी चैन से खाना नहीं खाया, रात में कभी चैन से सोए नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने यह फिक्र था मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला कैसे बन जाए, इसके लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां दी। आपने कुर्बानियां देकर आपके घरों में फाते आए और खाना न मिला और एक एक दिन नहीं दोनों दिन नहीं, आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है हम एक चांद और फिर दूसरा चांद और फिर तीसरा चांद देख लेती थी। दो दो महीने गुजर जाते थे, और ईमान और कलमे के अंदर की जिंदगी ने सहाबा-ए-किराम की जिंदगियों को
बदल दिया और ऐसा बदला कि 23 साल की मेहनत ने सहाबाए इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान के उन सितारों तक पहुंचा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया असहाबी कम नजूम बिअयिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है जैसे जंगल में भूला भटका इंसान सितारों को देखकर अपने मंजिल के रास्ते को तलाश कर लिया करता है ऐसे दुनिया के फितनों और फसाद में पड़ा हुआ इंसान जन्नत के रास्ते को हासिल करने के लिए मेरे जिस सहाबी के पीछे चलेगा वो जन्नत के रास्ते को पा लेगा। इसके लिए दोस्तों हम अपनी जात के अतबार से दूरदार बने, हमारे अंदर में ईमान पर चलने का और आमाल के करने का शौक पैदा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब तक अमल का शौक पैदा नहीं होगा तब तक आदमी अमल को करने वाला नहीं बनेगा। इसके लिए दोस्तों अमल अंदर में अमल का शौक पैदा हो जाए, जैसे अच्छे खाने की तरफ इंसान को अच्छे खाने की भूख इंसान को अच्छे खाने की तलाश में लगा देती है, चाय की तरफ इंसान को चाय की तलाश में लगा देती है, ऐसे ही दोस्तों अंदर में नेक आमाल की तलब पैदा हो जाए, हमारे ईमान की तंदुरुस्ती की और हमारे रूहानी जिंदगी के सेहतमंद होने और तंदुरुस्त होने की अलामत है। फरमाया अंदर में अमल का शौक पैदा करने के लिए हमारे लिए जरूरी है हम प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के इन बातों को बार बार सुने, जिन बातों में जिन इरशादात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अमल की तरकीब अमल की तरकीब को सुनकर अमल का भाव सुनकर हमारे अंदर में अमल करने का शौक और शौक पैदा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम अमल का शौक अपने अंदर में पैदा करें, एक माहौल ऐसा कायम करें, ऐसा दीनी माहौल बनाए कि जिस दीनी माहौल में रहकर हम में से हर एक के लिए दीन पर चलना आसान हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जिंदगी में ये चाहा कि मक्का में एक माहौल बन जाए कि जिस माहौल में रहकर एक दुनिया के इंसान को दीनदार बनना आसान हो जाए। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या चाहते है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यारा तरीका क्या है, इसको देखने के लिए एक माहौल की जरूरत पड़ती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माहौल के बनाने के लिए मीना के मदीना में जाते थे, हज के मौसम में बाहर से आने वाले काफिरों के पास जाकर आप अलैहिस्सलाम ये पैगाम पहुंचाते थे मैं यागिरी व मैं यंसुरनी हत्ता उबल्लिग रिसालत रब्बी व लहुल जन्ना, कौन मुझे ठिकाना दे और कौन मेरी मदद करे ताकि मैं अल्लाह का पैगाम तक पहुंचाऊं, और जो ये करेगा उसके लिए उसके बदले में अल्लाह उसे जन्नत देगा। मदीना वालों की किस्मत का सारा चमका हुआ था, मदीना वालों ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया, पहले पहल 10-12 आदमी ने ईमान कबूल किया, वो चले गए, दूसरे साल आए तो उन्होंने एक बड़ा काफला लेकर आए और उन्होंने ईमान कबूल करके अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप हमारे साथ एक आदमी भेजे जो हमें दीन की बातें सिखाए, इस्लाम की बातें सिखाए। अल्लाह के प्यारे नबी पर मजबूर
अखबार को लेकर और सहाबा इकराम के मदनी मुआशरे को लेकर। इसलिए दोस्तों मस्जिद का जमात के जरिए से कहा जा रहा है हमारी मस्जिदें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बन जाए और हमारी बस्तियां मदीना मुनव्वरा बस्ती मदीना मुनव्वरा की बस्ती का नमूना बन जाए। अगर ऐसा नमूना बनेगा तो दोस्तों इस्लाम को दुनिया में ला फैलाने के लिए और दुनिया में इस्लाम को जिंदा करने के लिए हमें लंबे चौड़े बयान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाबा इकराम ये फरमाते थे अस्लिमु तस्लमु इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। कौन सा इस्लाम? आओ हमारे मदीने में देखो इस्लाम कैसा होता है, इस्लामी मामला कैसे होते हैं, इस्लामी अखलाक कैसे होते हैं, इस्लामी मुआशरा कैसा होता है, एक मुसलमान कैसा हुआ करता है, मुसलमान औरत कैसे रहा करती है, मुसलमानों के बच्चों की जिंदगियां कैसे हुआ करती है, मुसलमानों का इशार कैसे हुआ करता है, मुसलमानों में आपस में मोहब्बतें कैसी हुआ करती है। मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में एक इस्लामी मुआशरा कायम हो चुका था। आज मस्जिद जमात के जरिए से ये चाहा जा रहा है कि मेरे दोस्तों हम भी मस्जिदों के अंदर में मस्जिद नबी वाला माहौल कायम करने वाले बने और हमारी बस्तियां और हमारे शहर मदीना मुनव्वरा जैसी बस्ती का ये माहौल बन जाए। इसके लिए दोस्तों हम में से हर एक को सबसे पहले दीनदार बनने की जरूरत है। जैसे बाजार में चीजों का भाव मालूम होता है, बाजार में जाएंगे तो कपड़े का भाव मालूम होगा, लोहे का भाव मालूम होगा, कपड़े का भाव मालूम होगा, सब्जी का भाव मालूम होगा। क्यों? इसलिए कि बाजार ये चीजों के भाव मालूम करने की जगह है। फरमाया मस्जिदों के अंदर आएंगे, तालीम के हल्कों में बैठेंगे, ये तालीम का हल्का अमल के भाव मालूम करने की जगह है कि नमाज पर अल्लाह क्या देते हैं, सुभान अल्लाह पर अल्लाह क्या देते हैं, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखने पर अल्लाह क्या देते हैं, इशराक की नमाज का एहतमाम करने पर अल्लाह क्या देते हैं, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने पर अल्लाह क्या देते हैं, पांच नमाजों को तकबीरे उला के साथ 40 दिन पढ़ने पर अल्लाह ताला क्या क्या इनाम देते हैं। जब तालीम के हल्कों में बैठेंगे ये भाव हमें मालूम होगा और ये भाव मालूम करने के बाद अंदर में शौक पैदा होगा, मैं भी नमाज का एहतमाम करने वाला बन जाऊँ और मैं भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत तरीकों पर चलने वाला बन जाऊँ, मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने वाला बन जाऊँ, मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला बन जाऊँ, मैं अपने बच्चों के साथ उनके हुकूक अदा करने वाला बन जाऊँ, मैं अपने पड़ोसी के हुकूक को अदा करने वाला बन जाऊँ। क्यों? ये सारी की सारी बातें फरमाए आमाल की तालीम की किताब में ईमानियत को बयान किया गया है, इबादत को बयान किया गया है, माशरत को बयान किया गया है, मामलात को बयान किया गया है, हलाल क्या है, हराम क्या है, मुश्तबे क्या है, क्या करना है, किस चीज से बचना है, उसके अंदर में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के क्या क्या अल्लाह की जिंदगी को बयान किया गया है। बार बार हम इसको मस्जिद के अंदर में मस्जिद की तालीम के हल्कों में बैठ कर सुनेंगे, हमारे अंदर में अमल करने का शौक पैदा हो जाएगा, अमल करने का शौक पैदा होगा, फिर नमाजी बनेंगे, फिर जिक्र करने वाले बनेंगे, फिर अपने चेहरे मोहरे को सुन्नत से आरास्ता करने वाले बनेंगे, फिर हमारे बालों की कटिंग अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिंदगी के मुताबिक होगी, फिर हमारे लिबास की कटिंग अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगी और एक सच्चा इस्लाम हमारी जिंदगी से टपकने वाला बनेगा। लेकिन इसके लिए अपने आप को मस्जिद की तालीम में बैठने का पाबंद बनाना, इसका आदि बनाना कि जैसे खुराक मेरे अपने जिस्मानी बदन की ताकत के लिए जरूरी है, ऐसे ही तालीम का हल्का मेरी अपनी रूहानी जिंदगी को बनाने के लिए, मेरी अपनी रूह को पाकीज़ा करने के लिए, मेरी अपनी रूह को नूरानी बनाने के लिए और मेरे जन्नत के रास्ते को आसान करने के लिए तालीम के हल्कों में बैठकर मैं तालीम के हल्कों में बैठकर अपनी रूह को पानी पिलाऊंगा ताकि मेरी रूह तरोताजा हो जाए और अंदर में अमल करने का शौक पैदा हो जाए। इसलिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर सहाबा इकराम के ये हालात होते थे कि सहाबा इकराम होया आपका सहाबा इकराम की आंखों से आंसू बहने लगते थे, जन्नत उनकी आंखों के सामने आ जाती थी, दोजख उनकी आंखों के सामने आ जाती थी और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठ कर चले जाते, घर बार में चले जाते तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि वो मंजर हमारे आंखों के सामने न रहता तो हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनको अपने दिल में निफाक का खतरा महसूस हुआ और फरमाया ना फ़ाहा हंजला अरे हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया। क्यों? क्या हुआ? आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठते हैं तो आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में जन्नत और दोज़ख का तज़किरा सुनकर ये मालूम होता है कि गोया जन्नत और दोज़ख हमारे सामने है, लेकिन आपकी मजलिस से उठकर चले जाते हैं तो गोया ये मंजर हमारे आंखों के सामने नहीं रहता। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें तसल्ली दी, हंजला ये मामला और ये बातें तो गाहे गाहे होगी अगर हम वक्त वही हाल रहने लगे जो मेरी
सफर कर रहे हैं, जिसे आप अलीसलाम की मजलिस में बैठकर साहबा का ये हाल हुआ करता था। हम ये दोस्तों हमारी मस्जिद में तालीम हो रही हो, उस तालीम में अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी बातें और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी बातें हमारे सामने पढ़ी जाए, एक बार पढ़ी जाए, दो बार पढ़ी जाए, तीन बार पढ़ी जाए, ये किताब मालूमात हासिल करने के लिए नहीं है बल्कि ये किताब मामला फैलाने के लिए है। ये हमारी तरबियत की किताब है, जो बातें सुने इसके अंदर में अपने आप को वैसा बनाने की फिक्र करने वाले बने। किताब में ये बताया गया है एक मुसलमान की जिंदगी कैसी हुआ करती है, एक सच्चा मुसलमान कैसा हुआ करता है, ये किताब में बताया गया है। जब इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, हमारे अंदर में सच्चा मुसलमान बनने की ख्वाहिश पैदा होगी। फिर हमारी हमारे हमारे नमाज के आदि में जाएंगे, हम सच्चाई के आदि में जाएंगे, हम ईमानदारी के आदि में जाएंगे, हम सुन्नतों पर चलने के आदि में जाएंगे, खाने में पीने में लिबास में पोशाक में और कमाने में और खर्च करने में और शादी ब्याह में और तैयब में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों से हमें मोहब्बत हो जाएगी, हम सच्चे दीनदार बन जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा अकेले का दीनदार बनना ये मेरे लिए काफी नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्तों मेरा अकेले का दीनदार बनना ये मेरे ऊपर जरूरी है, मैं अपनी जात को दीनदार बनाने की कोशिश करूँ। इसके लिए मेरे दोस्तों हमारे ये मजलिस में बैठा हुआ हर फर्द आज से ये तय करेंगे इंशाअल्लाह हम मस्जिद की तालीम में शरीक होंगे। अपनी जात से दरवाजे की चौखट तक होता है, इसलिए घर में दीनदारी का लाना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल लदीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। फरमाया मर्द बनता है तो फर्द बनता है, अगर मर्द बनता है तो फर्द बनता है, और अगर एक औरत बनती है तो पूरा खानदान बनता है। इसलिए हमारे घर की बीवी बच्चों का दीनदार होना बहुत जरूरी है। जिस नबी की बीवी ने ईमान कबूल किया, उस नबी की कौम के बहुत से अफराद ने ईमान कबूल किया, और जिस नबी की बीवी ने ईमान कबूल नहीं किया, उस नबी की मेहनत के नतीजे में चंद अफराद ने ईमान कबूल किया, उनकी कौम के अंदर में ईमानी मेहनत होने के बावजूद भी ईमान न चला और कौम के अंदर में ईमान की बातें न चली। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे लेकिन बीवी ने ईमान कबूल न किया, नूह अलैहिस्सलाम नबी थे लेकिन बीवी ने ईमान कबूल न किया। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक मेहनत करते रहे लेकिन घर में दीन न आया और घर की बीवी ने ईमान कबूल न किया, तो 950 साल की मेहनत के नतीजे में 100 आदमियों से भी कम लोगों ने ईमान कबूल किया। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अलैहिस्सलाम की अस्माए मुतहरा हमारी माएं सब की सब ईमान वाली, सब की सब दीनदार तक्वे वाली चौहद वाली, तो आप अलैहिस्सलाम की मेहनत के नतीजे में 23 साल के मुख्तसर से अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को 125,000 सहाबा इकराम का वो मजमा अता फरमाया कि जिन सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नती होने की बशारत दी और आपने फरमाया इनमें से जिसके पीछे चलोगे जन्नत के रास्ते को पा लोगे। इसलिए दोस्तों मर्द बनता है तो फर्द बनता है और अगर औरत बनती है तो खानदान बनता है। इसलिए हमारी जिंदगी जरूरी है हम अपने घर के अंदर में दीनदारी के लाने की कोशिश करें, हमारी अपनी बीवी को दीनदार बनाए, अपने बच्चों को दीनदार बनाए। इसके लिए जैसे मस्जिद की तालीम में बैठकर हमारे अंदर में अमल करने का शौक और शौक पैदा हुआ, नमाज का शौक पैदा हुआ और अपनी जिंदगी में सुन्नत तरीकों को लाने का शौक पैदा हुआ, हमारे घर में 24 घंटे में से थोड़ा सा वक्त फारिग करके अपने घर के अंदर में इसी किताब की तालीम के लिए घर के तमाम छोड़ने पड़े, जिस वक्त में फारिग हो एहतिमाम के साथ अजमत के साथ रोजाना तालीम का हल्का कायम किया जाए और इस तालीम के हल्के के जरिए से हमारे घर के हर छोटे बच्चे बड़े उसके अंदर में तरबियत की जाए, उनके सामने किताब पढ़कर समझाया जाए मरना क्या है, मौत क्या है, मरने के बाद की जिंदगी क्या है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने अपना हिसाब किताब पेश करना है, एक एक की जिंदगी में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, मरने के बाद की जिंदगी का फिक्र पैदा हो जाए। इसके लिए मेरे दोस्तों जरूरी है हम अपने घर की औरतों में और घर के बच्चों में दीनदारी के लाने की फिक्र करने वाले बने।
दुनिया में जितने बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, इन उलमा के पीछे और इन औलिया के वली बनने के पीछे इनकी माओं का किरदार है, इनकी बहनों का किरदार है, इनकी माओ ने इनकी तरबियत की, जिसके नतीजे में इनकी अपनी माओ की गोद में पलने वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, शेख साजिद कलियानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा हुए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। ये वो बड़े अजर बड़े 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 उलमा और अल्लाह के नेक वली है जिनके किरदार के पीछे, जिनके बनने के पीछे इनकी माओ का दखल है। इनकी माओ की जिंदगियों में तकवा था, इनकी माओ की जिंदगियों में अल्लाह का ताल्लुक था, इन माओ की जिंदगी के अंदर में अल्लाह का प्रेम था, अल्लाह का ताल्लुक था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कादी रहमतुल्लाह अलैह इनको कादी कहा करते हैं। कादी के माने है रोटी के टुकड़े को। इब्तिदाई से बचपन से माँ ने तरबियत की थी और माँ ने अल्लाह से ताल्लुक पैदा करवाया था। क्यों? माँ की दाद। आज हमारी माए हमारी माओ की जिंदगियों में वो बातें नहीं है, दीनदारी नहीं है, तकवा नहीं है। इसलिए आज हमारी माओ की यानी बोले आज हमारी माए गोया ऐसे नेक और वली बनने से वली बनाने से बाज हो चुकी है। इनकी गोदों में पलने वाले वली पैदा नहीं होते, उलमा नहीं बनते। क्यों? इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम अपने घर के अंदर में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक में सबको जमा करके 24 घंटे में एहतिमाम के साथ घर की तालीम पाबंदी से करने वाले बने। जैसे घर में खाना एहतिमाम से खाया जाता है, पाबंदी से खाया जाता है, हमारे घर में रोजाना तालीम का हल्का कायम किया जाए ताकि ये दीनदारी जो मेरी अपनी जात में आई है ये मेरी अपनी जात से मुंतकिल होकर मेरी बीवी भी दीनदार बन जाए, मेरे बच्चे दीनदार बन जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चों के अंदर में नमाज का शौक पैदा हो जाए, आखिरत का फिक्र पैदा हो जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे सुन्नत तरीकों पर चलने वाले बन जाए, रास्ते में आते जाते मुसलमानों को सलाम करने वाले बन जाए, इनकी जबान पर अल्लाह का नाम आ जाए, इनकी जबान पर सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह के अल्फाज आ जाए। ये कब होगा? जब मेरे दोस्तों माँ बाप दीनदार होंगे और माँ बाप बाप मिलकर अपने घर में अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र करने वाले बनेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। सहाबा इकराम ने इस जिम्मेदारी को महसूस किया था, इसलिए सहाबा इकराम के छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए जाने के लिए 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार होकर मैदान में आ जाते थे और अपने आप को पंजों के बल खड़ा करके, पांव के पंजों के बल खड़ा करके अल्लाह के नबी को यह एहसास दिला देते, अल्लाह के नबी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। अल्लाह के रास्ते में जाने का मतलब वहां 4 महीना चिल्ला लगाकर वापस आना नहीं था, वहां जो जान हथेली पर लेकर जाना था, लेकिन फिर भी सहाबा इकराम के छोटे छोटे बच्चे इस शौक में शहादत के शौक में घरों से निकल पड़ते थे। आखिर मेरे दोस्तों सहाबा के दिलों बच्चों के दिलों में ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? ये माओ के नतीजे में इन माओ ने तरबियत की थी। सहाबा इकराम को अल्लाह के दीन के तकाजों में कभी उहद में गए, कभी बदर में गए, कभी खंदक में गए, कभी हुदैबिया में गए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को 10 साल की मदनी जिंदगी में 150 मरतबा सफर करवाए और 150 सफर करवाकर सहाबा इकराम को मुख्तलिफ मकाम में अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए भेजा। सहाबा इकराम के मर्दों को अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन सहाबा इकराम ने अपनी औरतों को दीनदार बनाया था। सहाबा इकराम की औरतों में अल्लाह का दीन था, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनते थे वो बातें अपने घरों में जाकर तालीम का हल्का गोया कायम करके ये सहाबा इकराम अपने घरों में इसको मुंतकिल करते थे, जिसके नतीजे में एक एक सहाबियात की जिंदगी को देखा जाए अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो चुका है। पढ़ने की आयत नाज़िल नहीं हुई थी मगर पढ़ने के सहाबा इकराम की औरतें इधर उधर मोहल्लों में जाया करती थी। रात के वक्त में पढ़ने की आयत नाज़िल हो गई, एक सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर से दूर अपने किसी रिश्तेदार के वहां मिलने के लिए गई हुई थी। रात बहुत अंधेरी हो गई, जब वापस आई तो सहाबी ने खबर भेजी, अरे भाई क्यों, क्या हो गया, क्यों तुम घर से बाहर नहीं निकलती? अर्ज किया, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया है और मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई चादर नहीं है, चादर ले आओ पर्दा मैं कराऊंगी। सहाबी ने अर्ज किया, अरे रात अंधेरी है, तुझे कौन देखने वाला है, आ जाओ चलो घर चले। सहाबी अर्ज करती है, नहीं नहीं, मसला अंधेरे उजाले का नहीं है, मसला तो अल्लाह के हुक्म का है, अल्लाह का हुक्म आ चुका, उसके बाद अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अंदर में एक के अंदर में वो बोला था हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा,
ईमान वाली है, मदीना मुनव्वरा में रहती है, इनकी माँ ने ईमान कबूल नहीं किया, मक्का मुकर्रमा से माँ चलकर मदीना में अपनी बेटी के वहां मिलने आई है, बेटी के वहां माँ मिलने आई है, इस्लाम कबूल नहीं किया और मिलने के लिए आई है। अस्मा रजी अल्लाह तआला ने अपनी माँ को अपने घर में दाखिल न होने दिया, नहीं सबसे पहले मैं मसला मालूम कर लूं कि मेरी माँ मुसलमान नहीं है और वो मेरे घर में दाखिल होना चाहती है, क्या मैं अपनी माँ को घर में दाखिल कर सकती हूँ। अपनी बहन आयशा रजी अल्लाह तआला के पास तशरीफ ले गई और इनके जरिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मसला मालूम किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी माँ मिलने के लिए मुझे यहाँ आई हुई है, क्या मैं अपनी मुशरिक माँ को अपने घर में दाखिल कर सकती हूँ। हाँ, रिश्तेदारी दूसरे नंबर पर थी, सबसे पहला नंबर इस्लाम का था, सबसे पहला अल्लाह का हुक्म था, सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था। ये जिंदगियों में दीन की अहमियत कैसे आई थी, ये घर की तालीम के नतीजे में आई थी। अगर हम हमारे बच्चों को मेरे दोस्तों अपने घरों के अंदर में तालीम का हल्का कायम करने वाले बनेंगे, हमारी माएं बहने उनके अंदर में हया और शर्म आएगी, उनके अंदर में इज्जत और कदरदानी आएगी, हमारे घर में फिर हमारी माएं बहने करने वाली नहीं बनेगी, बेपर्दा बगैर कुर्ते के बाजारों में फिरने वाली नहीं बनेगी, बेपर्दा बेहया बेशरम बनकर किसी की शादियों के अंदर में मेलों में जाने वाली तो नहीं बनेगी, हमारी माएं बहने अपने घरों में रहने वाली बनेगी। इसलिए कि इसका हुक्म अल्लाह ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अस्मा जी मुतहरात को और कयामत तक आने वाली औरतों को दिया, वकरन फी बुयूतिकुम वला तबर्रजन तबर्रुज जाहिलियत अलूला, अपने घर में बड़ी रहो, औरतों का काम घर में रहना है, औरत को अल्लाह ताला ने एक जेवर की तरह सोने चांदी से ज्यादा कीमती बनाया है, सोने चांदी को महफूज जगह पर रखा जाता है, औरत को इससे ज्यादा महफूज जगह पर रखना ये मर्द का फरीजा है, मर्द की जिम्मेदारी है। इसके लिए दोस्तों हमारी माँ बहनों के अंदर में दीनदारी पैदा हो जाए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, छोटे छोटे बच्चे कलमे और नमाज को सीखने वाले बने, वो मकतब में जाकर कुरान पाक को पढ़ने वाले बने, ये माँ बाप की जिंदगी का सबसे पहला फरीजा है। इसलिए जमाने में मौलाना मोहम्मद उमर साहब कानपुरी रहमतुल्लाह ने बयानात में फरमाया करते थे कि मैं एक मरतबा किसी जगह पर गया, गालिबन झांसी में गया या किसी जगह गया, तो मैंने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बच्चे से उसका नाम पूछा और उसका काम पूछा और उससे पूछा, बेटा तुम्हें कोई दुआ याद है? तो छोटे बच्चे ने कहा, हाँ हाँ मुझे रात को सोने की दुआ याद है, और उस वक्त में उसने सोने की वो दुआ सुनाई, उस वक्त में मुझे भी पक्की याद नहीं थी, फरमाते थे वो दुआ सुनाई, इसलिए तो रब्बी वदअत जंबी इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा लिमा तहफ़ज़ु बिही इबादत अस्सालिहीन। मैंने पूछा कि ये तो छोटे से बच्चे हो, तुमने ये दुआ कहाँ से सीखी? कि मेरे अब्बा जमात में गए थे, तो मेरे अब्बा जमात में से वापस आए, उन्होंने मेरी अम्मी को सिखाई और मेरी अम्मी ने इस दुआ मुझे सिखाई है। बेटा तुम क्या करते हो? कि मेरी अम्मी मुझे मस्तूरात की तालीम का हल्का होता है उसमें लेकर जाती है, जब बयान पूरा हो जाता है तो औरतें आपस में बैठकर बातें करना शुरू कर देती है, तो मेरी माँ मुझे उठाकर किसी हल्के में बिठा देती है, मैं तमाम औरतों को ये दुआ सिखाता हूँ। एक छोटे से बच्चे के अंदर में चीज पैदा हुई। मौलाना मोहम्मद सुलेमान चाची अक्सर एक वाकया बयान फरमाते थे कि किसी जगह पर एक छोटा सा बच्चा मस्जिद में रोजाना आता, नमाज के लिए आता, झूठे ठिकाने लगता और सीधा सब में आकर बैठ जाता, चंद दिन इमाम साहब ने देखा, तो देखने के बाद एक मरतबा बेटे से पूछा, बच्चे से पूछा, बेटा तुम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करते हो, तुम तो कभी मस्जिद में वजू तो नहीं करते? बेटा बगैर वजू के नमाज नहीं हुआ करती, तुम नमाज के आदी हो तो वजू करके नमाज पढ़ा करो। उसने इमाम साहब बात यह है, हमारे घर में तालीम होती है, रोजाना तालीम के नतीजे में मेरी माँ एक मरतबा मेरी माँ ने पढ़ा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है कि जो घर से वजू करके आता है एक एक कदम पर एक एक गुनाह माफ होता है और एक एक नेकी भी की जाती है, और घर से वजू करके मस्जिद में जाने वाला ऐसा है गोया के घर से एहराम बांधकर हज में जाने वाला। जब से मेरी माँ ने यह बात पढ़ी है मैं रोजाना घर से वजू करके आया जाता हूँ। छोटे से बच्चे के दिल के अंदर में एक शौक पैदा हुआ। यूरोप के मुल्क में किसी मास्टर ने यानी मैडम ने पूछा अपने बच्चों पढ़ने वाले बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे थे, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम फ्यूचर में जाकर क्या बनोगे,
किसी ने कहा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मास्टर बनूंगा। एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? उसने कहा मैं सहाबी बनूंगा। तो वो जो ईसाई क्रिश्चियन थी उसे पता नहीं था सहाबी किसे कहते हैं। उसने एडमिशन फॉर्म निकाला और उसके अंदर में से नंबर निकाला, कॉन्टेक्ट नंबर निकाला। उस बच्चे की माँ से पूछा, मैंने तुम्हारे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो तुम्हारा बच्चा ये कहता है मैं सहाबी बनूंगा। बहन मुझे ये बताओ सहाबी क्या हो, तो कौन सी डिग्री हुआ करती है, सहाबी कौन सी डिग्री है? तो उस बहन ने मुसलमान खातून ने कहा, बहन बात ये है कि फोन से ये बात नहीं हुआ करेगी। आइंदा कल संडे है और इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप मेरे घर पर आओ, टी पार्टी रहेगी और तमाम हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि सहाबी की डिग्री क्या हुआ करती है। वो क्रिश्चियन औरत, वो मैडम उस मुसलमान खातून के घर पर गई। उस मुसलमान खातून ने अच्छा खिलाया पिलाया, फिर प्यारे नबी अलैहि सलातो वसलाम की पाकीज़ा जिंदगी के हालात खोले। और आप अलैहि सलातो वसलाम पर ईमान लाने वाले सहाबा इकराम की जिंदगी के हालात खोले। सहाबा इकराम ने क्या क्या कुर्बानियां दी, कैसे दीन को जिंदगी में अपनाया, वो हालात खोलने के बाद बताया, मेरा बच्चा रोजाना सहाबा के वाकयात सुनते 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 मेरे बच्चे के दिल में ये बात आ गई कि मैं भी बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। वो टीचर जो थी वो ईसाई का ईसाई होकर घर में दाखिल हुई थी, लेकिन प्यारे नबी अलैहि सलातो वसलाम की जिंदगी के हालात सुनकर वो उस घर में मुसलमान हुई और मुसलमान होकर घर से बाहर गई। एक बच्चा इसका जरिया बना और एक घर की तालीम इसका जरिया बना। मेरे दोस्तों, हम अपने घरों के अंदर में तालीम की हल्की कायम करने वाले बने। हम वाली साहब से दुआ कराते हैं, वाली साहब दुआ करो, बरकत की दुआ करो, वाली साहब बरकत की दुआ करो। अरे बरकत को लाने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को घरों में पढ़ा करें। रिवायत में आता है जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें पढ़ी जाती है, आसमान वालों की निगाहों में वो घर ऐसे चमकते हैं जैसे कि जमीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं। हमारे घर चमकदार बनेंगे, आसमान के फरिश्ते इन घरों को देखकर अल्लाह की तरफ से रहमतों का वसूल इन घरों में करेंगे। बरकतें हमारे घरों में आएगी, पलाए भूत पलीत शैतानी असरात हमारे घरों से निकल जाएंगे। अगर हम गरीब घरों में तालीम के हल्के कायम करने वाले बनेंगे, हमारे घर में दीनदारी आ जाएगी। हम दीनदार बन गए, हमारी बीवी दीनदार बन गई, हमारे बच्चे दीनदार बन गए। फिर दोस्तों कितना भला होगा और कितना खानदान और वो घराना कितना खानदान बन जाएगा, वो घराना कितना अल्लाह की नजर में महबूब बन जाएगा। लेकिन इसके लिए तय करना है, अगर घर में कोई न बैठे, झंडे के जोर से घर में ताली नहीं करनी। डंडे चल बैठना पड़ेगा, तू नहीं बैठेगा, तुझे भी बैठना पड़ेगा, फिर तू नहीं बैठेगी, नहीं, डंडे के जोर से नहीं, हम घर में तालीम का हल्का शुरू कर दे। आज एक आएगा, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। धीरे 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 हमारे घरों के अंदर में आखिरत के अहवाल सुनाए जाएंगे, घर के बच्चे कयामत के तस्करे करेंगे, हमारे घर के बच्चे लोगों के बच्चों के सामने जन्नत के तस्करे करेंगे। जन्नत ऐसी होती है, जहन्नम ऐसी होती है। हमारे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी अब्दुल्ला फरमाते थे, मेरी तरबियत मेरी माँ ने की, फरमाते थे मेरी तरबियत मेरी माँ ने की है। वो मौलाना उमर पालनपुरी अब्दुल्ला ने जिन्होंने तहरीर मरकज के अंदर में 25 साल तक मुसलसल 25 साल तक फजर के बाद का बयान किया, आखिरत के हालात ईमान ईमानी वाकयात बयान फरमाए। फरमाते हैं मेरे छोटे से बचपने में कमरे में रहा करते थे, छोटे से कमरे में रहा करते थे, छोटे कमरे में चारपाई ज्यादा नहीं होती थी, एक चारपाई होती थी, पतिया सब नीचे सोते थे। फरमाते मेरा बड़ा भाई यूसुफ था, मुझसे बड़ा था, मैं उनसे छोटा था। मेरी माँ ने एक मरतबा रात को कयामत के वाकयात शुरू करवाए, इस्राफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और आसमान फूट जाएगा और जमीन फूट जाएगी और दरियाओं में आग भड़का दी जाएगी और सितारे बिखर जाएंगे और सूरज भी दूर कर दिया जाएगा। ये सारे कयामत के हालात सुनते सुनते मैं नीचे सो गया, मेरा भाई चारपाई पर सो गया। और रात में ऐसा हुआ, इत्तेफाक की बात, ऐसा हुआ कि मेरा भाई लौटते लौटते चारपाई के ऊपर से मेरे ऊपर गिरा और मेरी आंखें बंद और मैं शोर मचाने लगा, माँ माँ कयामत आ गई, आसमान टूट गया, आसमान गया। मेरी माँ ने उठाया, बेटा आसमान नहीं टूटा, ये तो तेरी चारपाई से तेरा भाई ऊपर पड़ा है। यानी कितने वाकयात दोहरा दोहरा कर अपने छोटे छोटे बच्चों के अंदर में आखिरत का तस्करा अंदर में पैदा कर दिया था। मेरे दोस्तों, कभी सीधे सीने पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर कभी हम गौर करें, क्या हमारे बच्चों के सामने हमने कभी कब्र के हालात का तस्करा किया है? कभी जन्नत को खोला है? कभी जहन्नम को खोला है? हमारी जिम्मेदारी थी,
और अपने बच्चों को वाकिफ कराते, बेटा दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी सी जिंदगी है, एक दिन मैं भी मरकर चला जाऊंगा, तेरी माँ भी मरकर चली जाएगी, तुम दुनिया में इस मकान में रहोगे। हमसे पहले हमारे बाप रहते थे, वो दुनिया छोड़कर चले गए, आज हम मजबूरी कर रहे हैं और आज हम दुनिया में इस मकान में रहते हैं, कल इस मकान के बेटा तुम मालिक बन जाओगे, तुम्हारी भी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कब्रिस्तान आबाद हो जाएगा और हमारी बस्तियां वीरान हो जाएगी। अपने बच्चों को आखिरत समझाए, इस तरीके से तालीम का हल्का कायम करने से हमारे घर के बच्चे बच्चे के अंदर में दीन पर चलने का शौक और शौक पैदा हो जाएगा। तो अपने घरों में तालीम का हल्का करने के लिए सब तैयार है भाई, और कौन घरों में तालीम का हल्का करेगा? माशाल्लाह, आज से पाबंदी से करें। अगर आज हमारे घर में किताब न हो तो यहाँ जो दीन की बातें सुने, मस्जिद में तालीम की किताब में जो कुछ सुने, वो अपने घर में इसका तज़किरा करें और अपनी पैसे की किताब खरीदे। 200 रुपया 400 रुपया की किताब मिलेगी, हिंदी में मिलती है, उर्दू में मिलती है, गुजराती में मिलती है। इस किताब को खरीद कर घर में लाए, रोजाना हिमायत सहाबा में से पढ़े, फजाइल नमाज में से पढ़े, फजाइल जिक्र में से पढ़े, फजाइल तबलीग में से पढ़े, मुसलमानों की मौजूदा बस्ती का बाहरी इलाज पढ़े। ये बार बार पढ़ने से अंदर में शौक पैदा होगा। करेंगे सब, अरे सब करेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों, अगर मैं भी दीनदार बन गया और मेरे घर वाले भी दीनदार बन गए, लेकिन अगर महल में बेदीनी है तो उस बेदीनी के असरात तो जरूर आएंगे। अगर 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 हमारे महल के कोने में बदबू पड़ी हुई है, हवा आएगी तो बदबू हवा के रास्ते से हमारे घर तक पहुंचेगी। अगर हमारा घर दीनदार बना हुआ है, घर में दीनदारी है, लेकिन घर के बाहर का माहौल, महल का माहौल बेदीनी का है, महल के बच्चे गालियां दे रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो वो भी गालियों के माहौल में गालियां सीखने वाले बनेंगे। इसलिए फरमाया, हम हमारे साथी मिलकर हमारी मस्जिद के अतराफ में हफ्ते में एक दिन तय करके, हमारी मस्जिद के अतराफ में एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक का वक्त खाली करके कुर्बानी के साथ कष्ट के उन्वान पर अपने महल के तमाम बालिग मर्दों को मस्जिद में बुलाकर, नमाज के उन्वान पर बुलाकर, नमाज के बाद उनके सामने पूरे दिन पर चलने का नफा पेश करेंगे कि भाई पूरे दिन पर चलने में ये नफा है और दिन पर न चलने में ये नुकसान है। बार 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 हर हफ्ते में एक दिन तय करके मगरिब से लेकर ईशा तक या असर से लेकर मगरिब तक जिस वक्त में घर पर ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हो, उस वक्त में कष्ट करके तमाम के तमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जाए, इनको भी इसी तरह तरकीब दी जाए ताकि वो भी अपनी अपनी मस्जिदों में घर का तालीम का इस्तेमाल करने वाले बने और अपने घरों में तालीम का इस्तेमाल करने वाले बने। इसलिए हमारी मस्जिद के अफराद को तैयार करके, हमारी मस्जिद के साथियों को तैयार करके, इनको इस बात पर आमादा करे कि कुर्बानी के साथ हमें हमारी मस्जिद की बच्चों के लिए तैयारी करनी है। जो काम कुर्बानी के साथ किया जाता है उसके अंदर में वजन होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर की। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अर्शदे रब्बा हुक्म दिया, इब्राहिम दुनिया में बसने वाले इंसानों में आवाज लगाओ, मुअज्जिन फिन्नास, इब्राहिम आवाज लगाओ ताकि लोग हमारे घर का तवाफ करने के लिए आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारी ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह ताला, मेरा आवाज कहां पहुंचेगा, मेरी आवाज कहां पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम आवाज का लगाना तुम्हारा काम है और आवाज का पहुंचाना हमारा काम है, हम पहुंचाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियों में बड़ी बड़ी इम्तिहान किए, इन इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह के घर की तामीर की और कुर्बानी के साथ जो आवाज लगाई तो अल्लाह ताला ने उस वक्त में दुनिया के जिस कोने में जिस खित्ते में जहां जहां इंसान आबाद थे, हर हर इंसान तक अल्लाह ताला ने आवाज को पहुंचाया। यहाँ तक के जो बच्चे अपने माओ के हवल में थे, अल्लाह ने उन बच्चों तक आवाज पहुंचाया। यहाँ तक के आलम अरवाह में कयामत तक के आने वाले जितने इंसानों की रूहें थी, अल्लाह ने उन रूहों तक आवाज पहुंचाया और जिस रूह ने जितनी मरतबा लबैक कहा, उलमा फरमाते हैं वो इतनी मरतबा हज हो जाए। आवाज कुर्बानी वाली होती है तो अल्लाह ताला उसमें असर पैदा फरमाते हैं। इसलिए हमारे साथी अपने खाने पीने की तरतीब को आगे पीछे करके या अपने कारोबार को अल्लाह के लिए पहले बन करके, मन तरक शैअन लिल्लाही अव्वलहुल्लाहु खैरन मिन्हु, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ेगा अल्लाह उससे बेहतर खैर उसे अता फरमाएंगे। रोजाना हमारी दुकान 8 बजे 9 बजे पर होती है, लेकिन मेरे गश्त का दिन है इसलिए मैं आज गश्त का दिन मगरिब से पहले पहले अपनी दुकान को ताला लगा दूंगा
मेरा अंसा 12 घंटे की रोशनी, 12 घंटे मेहनत मेहनत पर अल्लाह ताला मजबूर नहीं है, मेरा अल्लाह तो 12 घंटे की रोशनी 1 घंटे में दे सकता है। मैं अल्लाह के लिए अपनी दुकान को छोड़ूंगा, अल्लाह ताला मेरी दुकान से बरकत वाली रोशनी बना करके देगा। इसके लिए अपना खाना पीना, अपना मकान कारोबार, अपनी मुलाजिमत को अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए कुर्बान करके 2-3 घंटा यकसुई के साथ अपने मस्जिद के साथियों के साथ मिलकर अपने महल्ले में गश्त करना और घर घर जाकर दर दर जाकर एक एक मुसलमान को नमाज कुर्बान पर मस्जिद में बुलाना, मस्जिद के अमल में शरीक करना और नमाज के बाद पूरे दीन पर चलने का नफा पेश करते हुए मेहनत के लिए आवादा करना। अगर मेरे दोस्तों हर हफ्ते इस तरीके से हमारे महल्ले में मेहनत करने वाले बनेंगे, अल्लाह की दाद से उम्मीद है अल्लाह ताला इस कष्ट को जरिया बनाकर अल्लाह ताला महल्ले में रहने वाले 100% मकानों में अल्लाह अपने दीन को जिंदा कर देंगे। महल्ले में रहने वाले 100% मुसलमान मर्द और 100% मुसलमान औरतें और बच्चे और बड़े सबके सब दीनदार बन जाएंगे, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले और प्यारे नबी अलैहि सलातो वसलाम के तरीकों पर चलने वाले बन जाएंगे, हमारा मोहल्ले का मुआशरा बुरा मुआशरा बन जाएगा। हाँ, दुनिया के किसी खित्ते में अगर कहीं आवाज लगेगी अरे सच्चा मुसलमान मुआशरा चाहिए, चले जाओ मदीना ये मनावत के ईदगाह वाली मस्जिद के महल्ले में चले जाओ, अरे क्या बेहतरीन इस्लामी मुआशरा है, घर घर में लोगों के घरों में से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, रास्तों में चलते मुसलमान आपस में सलाम करते हैं, किसी मुसलमान मर्द की निगाह ऊपर नहीं उठती है, हर मुसलमान माँ बहन अपने घरों में हया और पर्दे के साथ रह रही है, एक बेहतरीन इस्लामी मुआशरा कायम है। बेदीन अगर इंसान भी हमारे हमारे मोहल्ले में आ जाएगा, इस्लामी मुआशरे को देखकर उसके मुंह से राल टपकने वाली बनेगी, हाय क्या अच्छा होता इस महल्ले में मेरा मकान होता, ताकि ऐसा अच्छा मुआशरा मुझे और मेरे बच्चों को मिल जाता। इसके लिए दोस्तों अपने आप को इस गश्त वाले अमल का पाबंद बनाकर हफ्ते में एक मरतबा गश्त करना है, करेंगे वे सब समर्थन करेगा अगर आपके लिए अपना मस्जिद का गश्त कुछ हाथ नीचे हो जाएगी अरे ऊंचा करो इंशाल्लाह हम सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसान फरमा दे, कबूल फरमा दे और अल्लाह ताला हमें मौत तक इस मेहनत के लिए कबूल फरमा दे। कितने काम हुए भाई, घर की जो तालीम हुई और हमारे महल्ले का कष्ट हुआ, लेकिन अगर हमारे महल्ले में हमने कष्ट किया दूसरे महल्ले में कष्ट नहीं किया तो क्या होगा, हमारे महल्ले से लोग दूसरे महल्ले में जाएंगे, दूसरे महल्ले के रिश्तेदार हमारे महल्ले में आएंगे, कोई शादी ब्याह होगी, कोई मौत मैयत होगी, आपस में आते जाते रहेंगे, लोगों के इख्तलात के नतीजे में गलत माहौल फिर हमारे महल्ले में आ जाएगा। इसके लिए मेरे दोस्तों फरमाया हमारे पड़ोस पड़ोस के महल्ले में दूसरे कष्ट के उन्वान से पड़ोस पड़ोस के महल्ले में कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ हमारी मस्जिद के अतराफ में जितनी मस्जिदें हैं इन मस्जिदों के अंदर में इन आमाल को एहतमाम के साथ जिंदा करने की फिक्र करना, ताकि जैसे हमारे महल्ले में काम हो रहा है और हमारे घरों के अंदर में काम हो रहा है, ऐसे ही हमारे आसपास के मोहल्लों के अंदर में ऐसी फिजा तय हो जाए। इसके लिए हफ्ते में एक दिन तय करके दूसरे कष्ट के उन्वान पर किसी मस्जिद को नमूना बनाकर निशाना बनाकर उस मस्जिद में इतनी मेहनत करना कि उस मस्जिद में 5 आवाज जिंदा हो जाए। अगर उस मस्जिद में 5 आवाज जिंदा हो गए दूसरी मस्जिद को निशाना बनाया जाए, वहां 5 आवाज जिंदा हो गए तीसरी मस्जिद को निशाना बनाया जाए, हत्ता के हमारी मस्जिद के अतराफ में रहने वाली तमाम मस्जिदों के अंदर में दूसरे कष्ट के जरिए से इस मेहनत को करने का एहतमाम करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे कौन कौन करेगा भाई, तो दो कष्ट मिलकर एक कष्ट एक अमल होता है, दो कष्ट मिलकर एक अमल, पहला हमारा अमल हुआ दो तालीम मिलकर एक अमल, मस्जिद की तालीम घर की तालीम, दूसरा हमारा काम हुआ कष्ट का अमल, एक हमारा मकामी कष्ट एक हमारा बिरोही दूसरा कष्ट पहले का दूसरा कष्ट ये मिलकर एक अमल हुआ। अगर मेरे दोस्तों माशाल्लाह हमारे साथ में भी हमारे घर में भी और हमारे महल्ले में भी दीनदारी आ गई तो आमतौर पर यह हुआ करता है के अतराफ के रहने वाले लोग शहर में मजदूरी के लिए आया करते हैं, शहर के रहने वाले लोग मजदूरों की तलाश में अतराफ में जाया करते हैं, गांव शहर के रहने वाले गांव में जाएंगे, गांव के रहने वाले शहर में आएंगे, तो इसलिए किस इतला के नतीजे में आपस के अंदर में फिर दोबारा ऐसी बेदीनी ना आ जाए, अतराफ वालों की बेदीनी का असर शहर में ना आ जाए, शहर के लोग अतराफ में जाए वहां की बेदीनी से मुतासर हो जाए। इसके लिए फरमाया महीने में हर काम करने वाला साथी महीने में अपना एक हफ्ता तय करके 3 दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, 27 दिन अपना खुद कारोबार करे, हालांकि
حلال طیب اور پاکیزہ محنت مزدوری کرے اور کاروبار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائے. لیکن دوستو ہم مہینے میں یہ طے کر لیں کہ لوگوں کا کیلنڈر 30 دن کا ہوتا 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 ہو, لیکن میرا کیلنڈر صرف 27 دن کا ہوتا ہے. میں 27 دن اپنے دنیا کا کام کاج کروں گا, لیکن مہینے میں 3 دن خالی کر کے اللہ کے راستے میں یکسوئی کے ساتھ اطراف کے رہنے والی بستیوں میں جا کر ایسی محنت کرنے والا بنوں تاکہ وہاں بھی گھر گھر میں اور ہر فرد میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے اور بستیاں مدینہ منورہ کی بستیوں کا نمونہ بن جائے. اس کے لیے محنت کرنے والا, اس کے لیے مہینے میں اپنے 3 دن خالی کرنا. یہ نہیں کہ موقع ملا تو چلے گئے, موقع نہیں ملا تو چھٹی کر. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس عمل پر مداومت کی جائے, اہتمام کیا جائے. پانی کے نل کے نیچے پانی کا قطرہ نل میں سے ٹپکتا ہے, بار بار ٹپکتا ہے تو نیچے پڑے ہوئے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. بار بار تسلسل تسلسل کے ساتھ پانی کا قطرہ گرتا ہے. حالانکہ پانی کا قطرہ تو بہت سافٹ ہوتا ہے, بہت نرم ہوتا ہے, لیکن پانی کا گرتا پانی کا قطرہ بار بار گرنے سے پتھر میں بھی کھڑا پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا بار بار اللہ کی دین کی سطح پر اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اللہ کی دین کی محنت کے لیے نکلنا ہمارے دل میں اللہ کے تعلق کو پیدا کر دے, ہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی ہو جائے گی. اگر گھر میں کوئی بیمار ہوا لوگ کہیں گے فلا ڈاکٹر کے پاس جاؤ فلا ڈاکٹر کے پاس, نہیں, سب سے پہلے میں دو رکعت نماز پڑھوں گا. اس لیے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کو سلام نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. اللہ کے ساتھ ہماری یاری ہو جائے, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے, اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ صحیح ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ میری بیوی بیمار ہے, اللہ میرا بچہ بیمار ہے, اللہ قرض کا یہ مسئلہ ہے, اللہ فلاں فلاں مسئلہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر ایسی محنت فرمائی تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کے وقت میں بہت سا قرضہ چھوڑ کر کے گئے تھے, شہادت سے پہلے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ میرا فلاں فلاں قرضہ ہے اور یہ حالات ہے, دیکھو تم سے جتنا ہو سکے کام کرتے رہنا, اور اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور کام حل نہ ہو تو میرے مولا سے کہہ دینا. کیا فرمایا؟ میرے مولا سے کہہ دینا, میرا مولا کام کر دے گا. فرمایا ابا جان آپ کے مولا کون؟ کہ میرے اللہ میرے مولا ہے. فرمایا جب تمہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو میں کہتا اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ وہ کام فوراً کر دیتے. ایسی دوستی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ سے, اس پر قربانی کہتے کہتے ہماری بھی اللہ سے دوستی ہو جائے. ہر مہینے میں ایک ہفتہ طے کر لے, پہلا ہفتہ یا دوسرا ہفتہ یا تیسرا ہفتہ یا چوتھا ہفتہ, جو ہفتہ طے کریں گے اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ امتحان آئے گا. جس دن جانا ہوگا اس دن بیوی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گیا, بیوی بیمار ہو گئی, بچہ بیمار ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ امتحان کی گھڑی آتی ہے. میرا بندہ اپنی نیت میں کچا ہے یا پکا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الف لام میم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ایمان والوں نے یہ کہہ دیا آمنا اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ہم ان کا امتحان لے کے جیسے ہم نے پہلو کا امتحان دیا ہے تاکہ پتا چل جائے کھڑے کون ہے اور کھوٹے کون ہیں. اللہ کی طرف سے امتحان لیا جائے گا, اس لیے جو ہفتہ طے کریں گے بعض مرتبہ اسی ہفتے میں کوئی حالات پیش آئیں گے. صحابہ کرام کے تبوک کے موقع پر گھر پتی آدمی کی تشکیل ہوئی تھی, ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اور حالات کیا تھے کہ 2-3 سالوں کا قرضہ سامنے تھا, کھجوریں پتی ہوئی تھی, کھجوروں کے اترنے کا اتارنے کا زمانہ قریب تھا. اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آیا نہیں چلنا ہے اور ہر ایک کو چلنا ہے, اور اس وقت میں سواریاں بھی کم تھی, ایک ان پر باری باری 9 ساتھی سوار 10 ساتھی سوار ہوتے تھے, ایک سوار ہوتا تھا 9 پیدل چلتے تھے, پھر ایک سوار ہوتا تھا 9 پیدل چلتے تھے. اتنی تنگی کا سفر تھا, بڑا لمبا سفر تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا, ملک کے شام کی حدود تک کا سفر تھا, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سفر کے لیے تیار کروایا گیا اور صحابہ اکرام اس سفر کے لیے تیار ہوئے. کھجوریں پتی پکائی, کھجوریں چھوڑ دی, اللہ کے دین کی عصمت پر چھوڑی, اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت نصیب فرمائی. آج لاکھوں حاجی جاتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے کھجوریں لاتے ہیں, لیکن کبھی یہ بات نہیں سنی کہ مدینے کی مارکیٹ میں کھجوریں ختم ہو گئی, کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دہانے کھول دیے. اس لیے دوستو ہم 3 دن کا ہفتہ
रास्ता तय करके तीन दिन अल्लाह के रास्ते में जाने का एहतिमाम करने वाले बने, हर महीना एहतिमाम करेंगे इंशाल्लाह आदि बन जाएंगे। बहुत से ऐसे आदि बने हैं जो बरसों से 20-30 साल से हर महीने तीन दिन लगाने के पाबंद है और माशाल्लाह बराबर हर महीने तीन दिन लगा रहे हैं। अल्लाह की रात से उम्मीद है, अल्लाह का दस्तूर ये है, एक नेकी पर 10 नेकी अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह ताला की रात से उम्मीद है, एक दिन लगाने पर 10 दिन का सवाब और 3 दिन लगाने पर 30 दिन का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। महीने में 3 दिन लगाएंगे अल्लाह ताला 30 दिन का सवाब अता फरमाएंगे। इसके लिए हम में से हर एक को और मस्जिद के हर नमाजी को अपने 3 दिन का भाई हफ्ता तय करके 3 दिन लगाने हैं। लगाएंगे भाई, अरे कौन कौन लगाएगा, हम कुछ करो माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर हमने ये तय कर लिया मुझे 3 दिन लगाने हैं हमारी मस्जिद का जवाब में, जो 3-4-5-10 साथी ऐसे है जो 3 दिन लगाने का एहतमाम करने वाले है, अगर 12 साथी है 12 साथियों की लोगों की छोड़िया बन गई तो इंशाल्लाह हमारी मस्जिद से 6 जमाते हर महीने 3 दिन की निकलने वाली कमी। ये जो साथी 3 दिन लगाकर वापस आए इनके पास अब मेहनत करने के लिए 27 दिन का मौका है। 3 दिन से 3 दिन वापस आने के बाद ये आराम से न बैठे, आइंदा महीने में दोबारा 3 दिन की जमात लेकर जाने के लिए खुद से मेहनत करे, अपनी जात से मेहनत करके 3 दिन की जमात बनाकर तैयार करे और जमात बनकर तैयार हो जाए मशवरे से जिम्मेदार बनाकर इस जमात को लेकर यकसुई के साथ मोबाइल मोबाइल साथ में ले जाए, यकसुई के साथ बस्तियों में जाकर 3 दिन तक वहां मेहनत करते रहे। याद रखे उन बस्तियों में भी ये 5 अहवाल वहां पर सिद्ध हो जाए। करेंगे सारे साथी इस पर फिक्र इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आसान फरमाए। लेकिन दोस्तों काम हमारी अपनी मस्जिद से हमें शुरू करना है। हमारे सामने तो पूरा आलम है, हम आलमी नदी के आलमी उम्मती है, लेकिन हमारा सबसे पहला मैदान हमारी मस्जिद का अतराफ है। इसलिए मस्जिद के अतराफ में मेहनत करने के लिए 5 नमाजों में से किसी एक नमाज के बाद बैठकर मशवरे के लिए जुड़ना। अगर फजर की नमाज के बाद मशवरे के लिए जुड़ते हैं बेहतरीन और अच्छा होते हैं, रात को तथा हरा से सो जाता है, सुबह के वक्त में फ्रेश और तरोताजा हो जाता है और तरोताजा दिमाग के साथ सुबह सबसे पहले अल्लाह का दीन के लिए अपनी जात से लेकर पूरी दुनिया में जिंदा कैसे हो जाए इसकी फिक्र में सर जोड़कर मशवरे के लिए बैठना, गुज़िश्ता क्या हुआ था इसकी कारगुजारी लेना और आइंदा क्या करना है इसके तकाजे पेश करके अपने साथियों को इन तकाजों के पूरा करने के लिए आमादा और तैयार करना। और इसके लिए अपने बस्ती की सतह पर मस्जिद के महल्ले में मस्जिद के अतराफ में हमारा जो महल्ला है इस महल्ले के मकानात में कितने वकील रहते हैं, कितने मालिक मर्द है, और ये मजबूत जमाते हमारे घर घर में जाकर मुलाकात का निजाम बनाए और इसकी कारगुजारी दूसरे दिन आए। हम फला साहब के पास मुलाकात के लिए गए थे, घर में बैठ कर बात हुई, ये हुआ वो हुआ और वो माशाल्लाह आइंदा दूसरे महीने में 4 महीने के लिए तैयार है और इस आने वाले हफ्ते में जो हमारे 3 दिन की जमात आएगी उसमें 3 दिन के लिए तैयार है। हमारे लिए तश्कील की नई सी जमात बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, हमारी जो जमात मेहनत करेगी इसके जरिए से हमारी 3 दिन की जमातें काबू में आएगी, हमारे चिल्ले की जमातें काबू में आएगी, हमारी 4 महीने की जमातें काबू में आएगी। तो इस मशवरे में सर जोड़ कर बैठना, फिक्र के साथ बैठना, तकाजों को लेकर आना, तकाजों को सोचना, इन तकाजों को पूरा करने के लिए अपने आप को कोशिश करना। तो मशवरे में सब जुड़ेंगे भाई, अरे मशवरे में कौन कौन बैठेगा माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। इस मशवरे में जितनी खैर वजूद में आएगी हमारी अपनी जात से लेकर पूरी दुनिया में जितनी खैर वजूद में आएगी अल्लाह तआला इस मशवरे में बैठने वालों को इसका हिस्सेदार बनाएंगे। इसलिए मशवरा एहतिमाम के साथ करें, फजर की नमाज को मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने का एहतिमाम करें। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिलेगा और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने का एहतमाम करें और फजर के बाद मशवरे के अंदर में बैठने का एहतमाम करें ताकि इस मशवरे के जरिए से मेरी अपनी जात में भी खैर जिंदा हो, मेरे घराने में खैर जिंदा हो और अल्लाह ताला अपने आलम में खैर को जिंदा करे। लेकिन मशवरे में बैठकर जो तकाजे सोचे जाएंगे इन तकाजों को पूरा करने के लिए 5वां काम अंगूठे वाला काम है।
दो तालीम, दो बस महीने के तीन दिन रोजाना का मशवरा और हमारे ढाई घंटे। अगर अंगूठा होता है तो चारों उंगलियों का मुक्का मजबूत बनता है और अगर अंगूठा नहीं होता तो उंगलियों का मुक्का मुट्ठी मजबूत नहीं बनती, इस मुट्ठी में कोई वजन नहीं होता। अंगूठा होता है तो मुक्का मजबूत बनता है, अगर ढाई घंटे होंगे तो हमारे चार अमल के अंदर में जान पड़ेगी और अगर ढाई घंटे नहीं होंगे तो हमारे चार अमल बेजान होंगे। इसलिए रोजाना हर मुसलमान हर मस्जिद का मुसल्ली ढाई घंटे के जरिए से मस्जिद आबादी की मेहनत करने वाला बने और इस ढाई घंटे के अंदर में घर घर की मुलाकात में जाकर हर मुसलमान को दीन पर चलने का नफा पेश करे। घर में बैठकर इत्मीनान से किसी जगह बैठकर वहां बैठकर इत्मीनान से बात करे, खुशखुशी बात न हो, अरे भाई आपको चार महीने जाना था क्या हुआ, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, चलो आ गए वापस, दूसरे दिन कारगुजारी सुना दी, अरे हमें मुलाकात के लिए गए थे लेकिन वो चार महीने में तैयार हो गए, क्या मुलाकात। सबसे पहले ईमान है, नमाज है, इल्म है, जिक्र है, इकराम है, इखलास है, फिर तफरी के वक्त है। उस भाई के पास बैठकर ईमान की, आमाल की, आखिरत की, जन्नत की, जहन्नम की, सहाबाए किराम की कुर्बानी के वाकयात पेश करेंगे, उसके सामने सारी वाकयात पेश करने के बाद उनसे कहा जाएगा भाई दीन की मेहनत को अपनी जिंदगी में जिंदा करने के लिए चार महीने फारिग करने की जरूरत है, उनको तश्कील की जाए, उनको अमादा किया जाए, तरगीब दी जाए, सहाबाए किराम की कुर्बानी के वाकयात सुनाकर इनको तैयार किया जाए। लेकिन अगर वो गुजर कर रहे हैं इस वक्त में चार महीने के लिए नहीं जा सकता, हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो कि हमारी मसीबा जमात है आने वाले दिसंबर के महीने में फला तारीख देती है और इंशाल्लाह 20 दिसंबर से हमारी जिद्दे की जमात जा रही है, अगर इस वक्त में आप चार महीने के लिए नहीं जा सकते तो कम से कम जिद्दे का इरादा करो। वो जिद्दे में खाना का नहीं करेगा और ये करेगा वो दिसंबर वाले तो नहीं, उसके बाद जनवरी में जो जमात जाएगी इंशाल्लाह उसमें जाऊंगा। अब उसे ये कहो कि भाई आप माशाल्लाह जनवरी में भी जाएंगे जिद्दे में तो, लेकिन अभी तीन दिन की जमात इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में जा रही है तो तीन दिन की तश्कील करके इनको इसके लिए तैयार करो। वो कहेंगे इंशाल्लाह तीन दिन के लिए तुम्हें तैयार हो। अब इनकी तश्कील करने के बाद इनसे कहा जाए कि भाई हमारे अपने घरों को, अपनी बीवी बच्चों को दीनदार बनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप अपने घर में तालीम का हल्का कायम करो। हमारी मस्जिद में फला दिन गश्त होता है, उस गश्त में जुड़ो, मस्जिद की तालीम में जुड़ो, जो पांच अमाल हम कर रहे हैं इन पांचों अमालों पर उनको आने की दावत दी जाए। जिस सतह पर है, जिस जीने के जिस पगतिये पर उसका कदम है, इससे ऊपर लाने की फिक्र की जाए। इस तरीके से ढाई घंटों के जरिए से घर घर की मुलाकात की जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे घर घर में अल्लाह का दीन जिंदा होगा। एक महीने के अंदर में मस्जिद के अकरब में रहने वाले 100% मुसलमानों की मुलाकात हो जाए, फिर दोबारा, फिर से दोबारा 12 महीनों में 12-13-14 मरतबा एक एक मुसलमान की मुलाकात होगी। बार 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 वो दीन की बातें सुनेगा, समझेगा तो इंशाल्लाह दीन पर अमल करने वाला बनेगा, दीन का शौक उसके अंदर में पैदा होगा। ये दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को लेकर अल्लाह के लिए दीन की मेहनत के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने हमारी तश्कील की है, हम सब के सब तश्कील शुदा मजमा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह तू उसकी मदद कर जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करने वाला बने। हम मेरे दोस्तों अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला के इरशाद कुरान पाक में है या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। इसलिए दोस्तों अल्लाह के दीन की मदद में हमारी हिफाजत, हमारी मदद छुपी हुई है। इसलिए इन पांच आमाल को अपनी जात से अपने आप को करने के लिए तैयार करना, हमारे दोस्तों को इस काम के अंदर में मुआविन और मददगार करने के लिए तैयार करना, इसके लिए अपनी जात से इस काम को करने वाले बनेंगे। भाई सब के सब इन कामों को करने के लिए तैयार है, कौन कौन तैयार है जरा हाथ ऊंचा करो। माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मदद फरमाए, आसान फरमाए। अब इसकी बेहतर तरकीब यह है, इस वक्त में आपने ये पूरी तरकीब और काम की तरकीब सुनी है, इसी वक्त में अपनी मस्जिदवार जमात के साथ बैठकर, अपने मस्जिद के अपने हल्के के साथियों के साथ बैठकर अपना नाम बच्चे में लिखिए, मेरा रोजाना का ढाई घंटा इस वक्त में लगेगा और मेरा हफ्ते का गश्त इस दिन में होगा और मैं अपने घर में
तारीफ करूंगा और मेरी मस्जिद की तारीफ में शरीक होगा और महीने में फला दिन इंशाअल्लाह फला हफ्ते में अपने तीन दिन लगाऊंगा अपने रोजाना की अपने महाना की और अपने सालाना की तरकी बनाकर यहाँ मस्जिद में आए हैं यहाँ अल्लाह के घर में आए हुए हैं यहाँ इरादा करके उठेंगे अल्लाह तबारक तआला हमारी इरादों के अंदर में ताज़ी पैदा करेगा अल्लाह के लिए इरादे करने हैं और अल्लाह मुसीस की आसानी की दुआएं करनी है तो अल्लाह तबारक तआला हमारे इरादों में आसानी पैदा करेगा और आइंदा अल्लाह तबारक तआला हमारे करने के कामों को करने के लिए आसान करेगा इसके लिए सब तैयार है भाई सब तैयार है।